मुरमुरे का, ये मुरमुरे हैं, मुरमुरे का नाश्ता बनाने के लिए मैं क्या करूंगी, सबसे पहले इसमें इसे पानी से पानी डाल देंगे इसमें और भिगो देंगे थोड़ी देर के लिए। इस तरह से, और इसे साइड में रख देंगे। अब हम एक जार लेंगे और इसमें आधा कप सूजी डाल देंगे। इसी कप से मैंने 2 कप मुरमुरे लिए थे। अब हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे ये पालक, कटी हुई पालक, और डाल देंगे ये हरा धनिया, ये सब धुले हुए हैं और मैंने काट लिया था। अब इसमें हम डाल देंगे ये अदरक और डाल देंगे 2 हरी मिर्च। अब इसमें मैं डाल दूंगी 5 चम्मच दही और इसे ग्राइंड कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें ये जो हमने ये मुरमुरे भिगो के रखे थे वो डाल देंगे इस तरह से निकाल के। इस तरह से अब इसे भी हम ग्राइंड कर लेंगे। इसे हमें ज्यादा पतला घोल नहीं बनाना है। अभी इस पानी है, मुरमुरों में पानी है, तो बस इसी में हम इसे ग्राइंड करेंगे। अब ये देखिए, ये इस तरह से हमें पीसना है। अब इसे हम एक बाउल में पलट लेंगे। ये बहुत ही हेल्दी होता है और टेस्टी होगी लगता है। ऐसे हम पूरा पलट लेंगे। अब इसमें आप जो भी आप सब्जी डालना चाहें वो डाल सकते हैं, पत्ता गोभी, फूल गोभी, गाजर, मटर, टमाटर, जो भी आप डालना चाहें वो आप इसमें डाल सकते हैं। अब मैं क्या करूंगी, मैंने ये बारीक प्याज एक काट के रखा था वो डाल देंगे, थोड़ा सा मटर, आपके पास जो भी सब्जी वो डाल सकते हैं, और ये गाजर, अरे मैं थोड़ा सा मूली भी किस दी डाल दूंगी, और ये हरा धनिया और टमाटर, यदि आपको डालना हो तो डालिए, नहीं कोई जरूरी नहीं, मैं एक छोटा सा डाल दूंगी इसमें टमाटर भी, ऐसे बारीक बारीक काट के। इस तरह से टमाटर भी डाल देंगे। अब इसमें हम थोड़े से मसाले डाल देंगे। सबसे पहले डालेंगे आप टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1/2 चम्मच चाट मसाला। अब मैंने हरी मिर्ची डाल दिया था पहले, तो इसलिए इस चिली फ्लेक्स डालेंगे, लेकिन कम डालेंगे, थोड़ा सा काली मिर्च, और ये डालेंगे हम भुना हुआ थोड़ा सा जीरा। अब इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसे और टेस्टी बनाने के लिए मैं इसमें डालूंगी ये पाव भाजी मसाला 1/2 चम्मच। आप यदि आपके पास नहीं है पाव भाजी मसाला, तो सांभर मसाला डाल सकते हैं, वो भी नहीं है तो गरम मसाला डाल सकते हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब हम क्या करेंगे कि ये थोड़ी देर हम इसे रख देंगे। अब हम इसे अप्पे में बनाएंगे, अप्पे स्टैंड में। तो अब उसे मैं ग्रीस कर दूंगी पहले। अब हम क्या करेंगे, अप्पे स्टैंड में थोड़ा सा ऑयल डाल के और इसे ग्रीस कर लेंगे इस तरह से, जिससे चिपकेगा नहीं। और ये बहुत ही हेल्दी होता है, क्योंकि ये एकदम कम तेल घी में बनता है। ये इस तरह से हम इसमें लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे कि बैटर को देखते हैं। अब यदि आपका बैटर गाढ़ा हो जाए तो आप थोड़ा सा इसमें पानी डाल दीजिएगा। अब इस कंसिस्टेंसी में हमें रखना है। आज मेरा थोड़ा गला खराब है, इसलिए बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। अब मैं इसे 1-1 चम्मच इस डाल दूंगी। इसको मैंने गैस पे रख दिया। इस तरह से, और इसे हमें एकदम स्लो फ्लेम में पकाना है। अब हम क्या करेंगे, इस ढक्कन लगा देंगे और बीच बीच में इसे हम खोल के देख लेंगे। अब पे स्टैंड में लगाने के पहले मैं इसमें 2 पिंच हम इसमें डाल देंगे ये खाने का सोडा। अब इसे मैं खोल के देखती हूँ। अब इसे हम क्या करेंगे, पलट देंगे। इसमें थोड़ा सा पहले ऑयल लगा देंगे और फिर पलट देंगे। ये बीच वाले जल्दी हो जाते हैं और साइड वाले थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट हीट लगती है। अब इसे हम पलट देंगे। ये देखिए कितना बढ़िया सीखा।
इस तरह से जो जो हो जाएंगे उसे उन्हें हम सब पलट देंगे। थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा दो। और स्लो फ्लेम में ही इसे सेकना है, नहीं तो जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। पहले ऐसे देख लेंगे, यदि निकल रहा है तो समझ लीजिए हो गया है, और नहीं निकल रहा है तो थोड़ा सा और देखेंगे। अभी थोड़ा और सेक लेंगे इसे। अब इसे मैं फिर से देखती हूँ। अभी जो बीच वाले हैं ये हो गए हैं, इन्हें हम निकाल लेंगे और इसकी जगह दूसरे डाल देंगे। ये अच्छे बढ़िया सिक गए हैं, थोड़ा सा ये बचा हुआ। और हम क्या करेंगे, जो नहीं हुए हैं उन्हें हम बीच में रख देंगे। ऐसे उलट पलट करके हम इसे सेक लेंगे। बहुत ही टेस्टी लगते हैं और ऐसा नहीं, कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं रहती लगती, और इसमें सब्जियां डली रहती हैं, मुरमुरे भी लाइट होते हैं। ऐसे इसमें हम क्या करेंगे, जो जगह खाली होती जाएगी उसमें हम दूसरा डाल देंगे। अब ये हमारे मुरमुरे के हेल्दी अप्पे बनके तैयार हैं। इसे आप बनाइए, खाइए, खिलाइए, और टेस्टी भी लगता है, और ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट रहता है। मैं आपको बताती हूँ तोड़ के, ये देखिए, और टेस्टी भी लगता है एकदम। मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।